दोस्तों इस दुनिया में कई तरह की जीव मौजूद है। अगर आपको पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बुद्धिमान जीव कौन सा है तो आप क्या कहोगे? इंसान, राइट? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अलावा भी इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो काफी स्मार्ट होते हैं। आज मैं आपको ऐसे कुछ बुद्धिमान जानवरों के बारे में बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, चिंपैंजी। चिंपैंजी को दुनिया की सबसे बुद्धिमान जानवर कहा जाता है क्योंकि ये जीव इंसान की हूबहू नकल कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगर चिंपैंजी को ट्रेनिंग दी जाए तो इंसान की तरह बोल भी सकता है। चिंपैंजी बहुत ही जल्द किसी भी इशारे को समझ जाते हैं और यही वजह है कि इसे सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक माना जाता है। नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार वो शब्द को सीख सकते हैं और चीजों के साथ खेल सकते हैं। जॉर्जिया की यरकेम नेशनल प्राइमेट रिसर्च सेंटर की प्राइमेटोलॉजिस्ट विलियम हॉपकिंस का मानना है कि चिंपैंजी की बुद्धिमत्ता में होने वाले परिवर्तन का आधा हिस्सा उसकी जीन निर्धारित करते हैं। चिंपैंजी के पास कठिन काम को आसान बनाने का अपने तरीके होते हैं। सबसे अच्छी बात है इसका डीएनए, जो इंसान के डीएनए से 90% मेल खाता है। नंबर 2, डॉल्फिन। डॉल्फिन भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। डॉल्फिन के ब्रेन काफी बड़ा होता है, इसलिए इसे पानी की सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है। डॉल्फिन काफी समझदार जीव है और अपनी भावनाओं को दिखाने की क्षमता होती है। पानी में रहने वाला ये एकमात्र ऐसा जीव है जो इंसान से आसानी से दोस्ती कर लेती है। अगर डॉल्फिन किसी भी इंसान से एक बार दोस्ती कर ले तो ये जब तक जीवित रहती है उस इंसान की चेहरे को कभी नहीं भूलती। सबसे अजीब बात यह है कि डॉल्फिन के बारे में कहा जाता है किसी भी घटना को लगभग 20 सालों तक याद रख सकते हैं। नंबर 3, रेकून। साल 1908 में हुए एक रिसर्च के अनुसार इथोलॉजिस्ट H.B. डेविड को पता चला कि रेकून 10 से भी कम कोशिशों में जटिल से जटिल ताले को खोलने में सक्षम है, भले ही उस बाले को फिर से सेट किया गया था या उल्टा सीधा नंबर घुमाया गया था। इससे पता चलता है कि रेकून का दिमाग बहुत तेज है जो कई सालों तक इसे याद रख सकते हैं। रेकून के सुनने की क्षमता भी इतनी तेज है कि वो धरती के अंदर चलते हुए केंचुए की आवाज भी सुन सकते हैं। नंबर 4, पैरट। तोते को इंसान के बच्चे जितना ही स्मार्ट माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक तोते 3 साल के बच्चे की तरह ही स्मार्ट होता है। तोते इंसान की आवाजों को नकल कर सकते हैं। इस अनोखे काबिलियत की वजह से ही तोते बुद्धिमान जानवर की लिस्ट में हैं। तोते की प्रजाति में अफ्रीकन ग्रे पैरट सबसे बुद्धिमान होते हैं, जो अपनी मेमोरी पावर और गिनती करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। एलेक्स नाम के एक तोते पर 30 साल के रिसर्च के बाद ये रिजल्ट निकला कि वो 5 साल की बच्चे जैसे स्मार्ट है। एलेक्स ने 50 अलग अलग वस्तुओं, आकृतियां, अलग अलग रंगों को पहचानने में सक्षम था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो 100 से भी ज्यादा वर्ड को याद रख सकता था। Did that hurt? Can you do a cat? नंबर 5, एलिफेंट। कहा जाता है कि एक हाथी कभी नहीं बोलता। ये सिर्फ एक अंधविश्वास या फिर स्टीरियोटाइप लाइन नहीं है, ये सच है। हाथियों की याददाश्त काफी अच्छी होती है। एक हाथी की ब्रेन में एक ह्यूमन ब्रेन जैसे कई न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जो उनकी याद रखने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। एक कई वर्षों तक अपने इलाके, रास्ते, पानी की सोर्स को याद रखने में सक्षम होते हैं और एक कभी भी अपने दोस्त को नहीं भूलते। रिपोर्ट के मुताबिक हाथी आगे देखने में भी सक्षम होते हैं और ये भी पहचानते हैं कि जो प्रतिबिंब उन्हें घूरा है वो उनका ही है। ये कुछ ऐसा है कि बुद्धिमान कुत्ते भी पूरा नहीं कर सकता। हाथियों के पास थल की किसी भी जानवर के मुकाबले सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है, इसलिए हाथी किसी भी बात को बहुत जल्दी समझ लेता है। ये इंसान की तरह फुटबॉल, बास्केटबॉल इत्यादि खेल सकते हैं। हाथियों के बारे में सबसे खास बात यह है कि इंसान के बाद हाथी एकमात्र ऐसे जानवर है जो अपने सदस्यों की मर जाने पर शोक मनाते हैं। हाल ही में आपने न्यूज में देखा होगा कि एक हाथी ने अपने मरे हुए बच्चे को सूंड में लिपटकर 24 घंटे पागलों की तरह घूम रहा था। जब भी हाथी के परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाती है तो हाथी भी इंसानों की तरह ही आंसू बहाते हैं। नंबर 6, डॉग्स। दुनिया की सबसे ज्यादा पाले जाने वाले जानवर है कुत्ता। ये भी बुद्धिमान जानवर की लिस्ट में आता है। ये ना केवल प्यारे होते हैं बल्कि होशियार भी होते हैं।
इंसानों के साथ रहने की बात कुत्तों की भावनाओं में जबरदस्त बदलाव आते हैं। ये अपने मालिकों को पहचानते हैं और अपने मालिक के प्रति इतना वफादार होते हैं कि अगर इनके मालिक पर कोई मुसीबत आती है तो मालिक को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कुत्ते कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक कुत्ता 2 साल की बच्चे की तरह ही स्मार्ट होता है। इस रिसर्च के अनुसार कुत्ते औसतन 165 शब्द सीख सकते हैं। साथ ही बहुत सारे चीज़ें हैं जो कुत्ते कर सकते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि कुत्ता इंसानों की हंसने और रोने की भावनाओं को भी आसानी से समझ लेता है। नंबर 7, क्रोज। कौवे को काफी इंटेलिजेंट माना जाता है। एकमात्र ऐसे पक्षी है जो कठिन काम को आसान बनाने का तरीका ढूंढ सकते हैं। इंसानी चेहरे को कौवा अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ गलत करते हैं तो ये अपने सब रिश्तेदारों को ये बताते हैं और वो आप पर हमला कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप एक की मदद करते हैं तो ये भी सबको बताते हैं और सब मिलकर हमारी मदद भी करते हैं। नंबर 8, पिग। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉम्पिटिटिव साइकोलॉजी के अनुसार सुअर इंसान का सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है। कुत्तों की तरह सुअर भी इंसानी भावनाओं को समझ सकते हैं। पहेलियों को हल करने में इसका कोई जोड़ी नहीं है। सुअर की बुद्धिमत्ता जानने के लिए एक रिसर्च किया गया था जहां एक 6 हफ्ते की सुअर को अपने खाने तक जाने के लिए आईने का इस्तेमाल करके रास्ता खोजना था। उस सुअर ने कुछ ही घंटों में यह काम पूरा किया। इसे सीखने में 3 साल की बच्चे कई महीने तक लगा देते हैं। नंबर 9, ऑक्टोपस। इस बुद्धिमान जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं है। हम बाकी सब वर्टिब्रेट्स यानी कि हड्डी वाले जानवर की बुद्धिमत्ता से परिचित है, पर कुछ इन वर्टिब्रेट्स यानी कि बिना हड्डी वाले जानवर भी है जो काफी बुद्धिमान होते हैं। यह बात हो रही है ऑक्टोपस की। अमेरिकन वैज्ञानिकों के अनुसार 60% न्यूरोन ऑक्टोपस की बाहों में होते हैं, फिर भी उनके पास काफी बड़ा मस्तिष्क है। इस समुद्री जीवों के पास कई अनोखे प्रतिभा है। अपने भारी शरीर के साथ एक छोटे से छेद से निकल जाना, खुद को बचाने के लिए एक्वेरियम टैंक की चढ़ाई करवाना, जार की ढक्कन को खोल देना, ऐसे बहुत सारे। नंबर 10, एंट्स। एक चींटी में कई ऐसे लक्षण देखने को मिल जाते हैं जो उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। ये अपने रास्ते को पहचान जाती है और बातें करते करते अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाती है। ये बहुत ही सुलझी हुई होती है।